नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उन लेखकों को लेकर जो आजकल नाराज चल रहे हैं और आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। तो एक के बाद एक लेखकों की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। साहित्यकार अपना पुरस्कार जो है वो वापस लौटा रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से यही ऐसे मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। कहते हैं जो काम कलम कर सकती है वो काम तलवार की धार नहीं। इस बात को साहित्यकारों से बेहतर कौन समझ सकता है। इसी के मद्देनजर अब देश के साहित्यकारों ने एक जंग छेड़ दी है। देश विदेश में सम्मानित साहित्यकार एक के बाद एक अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं। उर्दू के मशहूर कवि मुनव्वर राणा भी 29 से ज्यादा लेखकों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिन्होंने सरकार के सम्मान को लौटा दिया है। मुनव्वर राणा ने कहा कि लेखक का काम समाज को सुधारना है, हमें समाज की चिंता करनी चाहिए। इससे पहले भी देश के कई जाने माने साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटा चुके हैं, जिनमें सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाली साहित्यकार नयनतारा सहगल भी शामिल है, जिन्होंने इस मुहिम की नींव रखी और ये मुहिम अब आंदोलन में तब्दील हो गई है। क्या चाहते हैं साहित्यकार? साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला नयनतारा सहगल ने शुरू किया। साहित्यकारों की हत्या से खफा है साहित्यकार। 30 अगस्त को कन्नड़ साहित्यकार कुलबर्गी की गोली मारकर हत्या। 20 फरवरी को गोविंद पंसारे की हत्या। 28 सितंबर को दादरी में अखलाक की हत्या भी नाराजगी की वजह। साहित्यकारों की हत्या पर साहित्य अकादमी की चुप्पी भी खल रही, लेकिन साहित्यकारों के विरोध के तरीके से साहित्यकार ही दो मत है और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है और मोदी सरकार के कई मंत्री इसके विरोध में बयानबाजी भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने साहित्यकारों के अवार्ड लौटाने की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ साहित्यकारों के विरोध का नायाब तरीका, दूसरी तरफ मोदी सरकार के साहित्यकारों पर आरोप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश को झकझोर देने वाली सांप्रदायिक घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन सच ये भी है, ये कोई पहली बार नहीं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर साहित्यकारों के विरोध का ये तरीका कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक लेखक जो है अपना पुरस्कार वापस लौट आ रहे हैं, वजह क्या कुछ मानी जाए, क्योंकि आंदोलन की राह पर लेखक चल पड़े हैं। ये वही लेखक है जो अपने कलम की ताकत से नींव को भी हिला सकते हैं, लेकिन अब इन लेखकों को आखिर क्या हो गया है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं साहित्यकार मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो। धन्यवाद मुकेश शर्मा जी। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि साहित्यकार जो लेखक हैं वो अपनी कलम की ताकत दिखाते हैं, एक नींव को हिलाने की भी वो हिम्मत रखते हैं, उनकी जो ताकत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अभी फिलहाल की जो तस्वीर नजर आ रही है, वजह क्या कुछ मानी जाए इस बगावत की, आखिर इन लेखकों को हो क्या गया है, इसका उत्तर मुझे थोड़ा विस्तार में देना पड़ेगा जी। देखिए, जब भी कोई समाज में घटना घटती है तो जो उससे सहमत ना हो वो उसका विरोध करते हैं। अब जिस प्रकार से साहित्यकार कुलबर्गी जी की हत्या हुई या गोविंद पंसारे जी के साथ घटना घटी, ये इस तरह की घटनाएं हैं कि इस पर साहित्यकार अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे
और उन्हें लगा कि अगर वो अपने अवार्ड को लौटाएं तो शायद उनके विरोध को नोटिस लिया जाए, तो उन्होंने इसे उचित समझा और उन्होंने ऐसा किया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बुरी बात है। इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि जिस प्रकार से अवार्ड को लौटाया जा रहा है, अगर अवार्ड को मुनव्वर राणा लौटाते हैं जो कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर हैं, तो बात समझ में आती है। किंतु इन अवार्ड्स को वो लोग भी लौटा रहे हैं जो अभी जिनकी अभी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी नहीं है। यहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे सेलिब्रिटी बनने की जो चाह है उसके तहत ऐसा किया जा रहा है और बाजार इस जो ये जो परिस्थिति है इसे बाजार भुना रहा है। चूंकि अब कोई सारिका और धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान ऐसी साहित्यिक पत्रिकाएं अब नहीं हैं कि जिसमें अगर आप अपनी बात को रखें तो ये समझा जाए कि सारे देश में इसे पढ़ा गया होगा जी। तो अब तो सोशल मीडिया ने जगह ली हुई है। अच्छा, तो सोशल मीडिया में जिस समय ये चीजें रहेंगी तो सोशल मीडिया में आपकी बात को नोटिस लिया जाए उसके लिए भी इसे एक टूल बनाया गया है। किंतु वो जिस भी प्रकार से ये है, अगर कोई इसे विरोध करने का तरीका समझता है तो उसे ऐसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि आप भी साहित्यकार हैं, आपको भी पुरस्कार मिला है और आपने 5 पुस्तकें जो हैं अब तक लिखी हैं, लेकिन एक साहित्यकार होने के नाते आप क्या कुछ समझते हैं, क्या इस तरीके से जो बगावत हो रही है क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई लेखक ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं, तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं? क्योंकि कई लेखक ये भी मान रहे हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए ये जो आंदोलन है इसे छेड़ दिया गया है, इस राह पर ये लेखक चल रहे हैं। देखिए, जिस समय आप कोई साहित्य अकादमी से लिए हुआ पुरस्कार लौटाते हैं तो मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाकर पुरस्कार नहीं दिया था किसी को, और कोई राज्य के मुख्यमंत्री भी बुलाकर किसी को पुरस्कार नहीं देता है। ये एक साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित होती है। तो जो एक सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त संस्था है, आप उसके विरोध में आप अवार्ड को लौटा रहे हैं, तो जो आपका अवार्ड लौटाना है वो स्वायत्त संस्था का विरोध है, ना कि किसी सरकार का। चलिए मुकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना पुरस्कार लौटा दिया है। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मनमोहन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, बोलिए। मनमोहन जी, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर साहित्यकार जो है पुरस्कार लौटा रहे हैं, आंदोलन छिड़ चुका है, इसमें आपने भी अपना पुरस्कार लौटाया है, वजह क्या कुछ मानी जाए? जी मनमोहन जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए। मनमोहन जी, आपने भी अपना पुरस्कार लौटाया है, वजह जानना चाहूंगी, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? क्या वजह है? हाँ जी, वजह तो सबने अपने वक्तव्य दे दिए हैं, देश के हालात हैं और जो स्थितियां बन रही है लेखकों के लिए, कुल मिला के सामाजिक वातावरण बन तरह का, जो राज्य का रुख है इस तरह की हिंसा पर जो लेखकों पर की जा रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे की जा रही है, उस तरह की इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है बयानों से। हाँ। और जिम्मेदार लोग बना रहे हैं। हाँ। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं जो हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं, तो ये बड़ा हताश करने वाला दृश्य है और लेखकों को बड़ी मायूसी हुई है इससे, और उनके ऊपर इतना दबाव है, इस समय ये लिखो वो ना लिखो, इस तरह की डिक्टेट भीड़े बना के जो है, जिस तरह से हिंसा की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। हाँ। किताबों को प्रकाशक छापने से डरने लगे हैं और कई बड़े प्रकाशकों ने पेंगुइन जैसे उसने जो है उसको पल उसने बदल दिया, किताबें वापस हुई और फिर कलबुर्गी की हत्या हुई, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, पानसरे की हत्या हुई, और उस पर जो चैन है और जो इत्मीनान है और जो एक तरह से एक
पासिंग द बक जिसे कहते हैं, इस राज्य सरकार का मसला है, उस राज्य सरकार का मसला है, लेकिन आप जो माहौल खराब कर रहे हैं लगातार, यानी कि हिंसा का जो माहौल पैदा हो चुका है उसे लेकर नाराजगी बनी है आप लोगों में। मनमोहन जी, ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कई नेता जो हैं ये मान रहे हैं कि जिस आंदोलन पर लेखक चल पड़े हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। इस देश के मुल्क की जो एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, संवैधानिक जनतांत्रिक जो ढांचा है उसे बचाना चाहते हैं, वो उन मूल्यों की हिफाजत में आगे आए हैं। उनके कोई इनके ऐसे वो नहीं है मंशा। उन्होंने हर राजनीतिक शक्ति को, कोई भी सत्ता रही हो, उस समय ये आवाज उठाई, अपने लेखन से उठाई है। तमाम तरह से जब सिखों पर हिंसा हुई थी 84 में, सब भी आवाज उठाई थी, इमरजेंसी में भी आवाज उठाई थी। लेकिन इस तरीके से अपना पुरस्कार वापस कर देना, मनमोहन जी, सवाल मेरा ये है कि इस तरीके से अपना अवार्ड, अपना पुरस्कार वापस कर देना, क्या एकमात्र तरीका रह जाता है, क्या एकमात्र रास्ता रह जाता है इस ऐसे माहौल को ढर्रे पर लाने के लिए? वो पुरस्कार लेने की आजादी है तो लौटाने की भी आजादी है। ऐसा नहीं है कि ये आजादी कोई और, ये कोई और तय करेगा कि मुझे रखना है कि लौटाना है इसे, या मैं मना करता हूँ को पुरस्कार लेने से। अब लोग तो ये किताबें भी कह रहे हैं कि भाई हम एकेडमी से वापस लेते हैं, फेलोशिप वापस लेते हैं। बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया के लेखक, 150 देशों के लेखकों ने सपोर्ट किया है, वो सब राजनीति से प्रेरित है। ये एक तरह से वल्गराइज करना है प्रोटेस्ट को, ये एक तरह से उसका अवमूल्यन करना है, विरोध का उसका संदेश जो है ना सुनने की एक जिद है ये। चलिए चलिए मनमोहन जी, आप बने रहिए, आगे भी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में साहित्यकार मुकेश शर्मा जी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से आंदोलन छिड़ चुका है, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, इससे आगे क्या कुछ स्थिति सामने आ पाएगी, और फिलहाल की जो तस्वीरें हैं क्या ये जायज तस्वीरें हैं। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और लगातार हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों को लेकर, जिनमें नाराजगी बनी हुई है क्योंकि हिंसा का जो माहौल पैदा हुआ है देश में और कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल पाने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है लेखकों की तरफ से और नाराजगी जो है लगातार जारी है। और ऐसे में आपको बता दें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है एक के बाद एक यहाँ पर लेखक वापस लौटा रहे हैं। वजह क्या कुछ मानी जाए, क्या बगावत की वजह है, राजनीति, क्योंकि कई नेता जो है इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं। तो कहीं कुछ लेखकों का ये भी मानना है कि यहाँ पर हेडलाइंस में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ये तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ साहित्यकार मुकेश शर्मा जी बने हुए हैं लगातार। मुकेश जी क्या कुछ माना जाए, मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े थे, साहित्यकार थे जिन्होंने भी पुरस्कार अपना जो है लौटा दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिंसा का माहौल पैदा हुआ है उसे कंट्रोल में लाने के लिए, उस पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो साहित्यकार हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह से पुरस्कार लौटाने से उनकी आवाज को सुना जाएगा तो वो ठीक समझते होंगे। तो मैं नहीं समझता कि उनकी इस बात को हमें कंडम करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि इस प्रकार के विरोध से ये बात दूर तक जाएगी तो वो ठीक सोचते होंगे। उनका ये अपना तरीका है और किसी का कोई भी तरीका हो सकता है विरोध करने का, तो ये उनका विरोध करने का तरीका है, इसे स्वस्थ भाव से लेना चाहिए। दूसरी बात है कि क्या इसका कोई राजनीतिकरण तो नहीं हो गया, आपका ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं देखिए इक्का दुक्का लेखक की तो मैं नहीं कहता, मेरे विचार से इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। चूंकि ये एक के बाद एक लेखक एक दूसरे से प्रेरणा लेकर जुड़ते चले गए, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी कोई लगी हुई है और राजनीतिक पार्टी के द्वारा संचालित इस सारे कार्यक्रम को किया इसे कोई प्रायोजित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेखक स्वयं कर रहे हैं और उनका अपना विरोध करने का ये तरीका है, तो इसे स्वस्थ भाव से लिया जाना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम निवास जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, साहित्यकार हैं। राम निवास जी बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद राम निवास जी। क्या कुछ माना जाए, यहाँ पर जिस तरीके से लेखक जो है एक के बाद एक अपना पुरस्कार जो है वापस लौटा रहे हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये सब एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक के सोची समझी योजना के तहत त्याग पत्र दिए जा रहे हैं। इनका साहित्य से कोई संबंध नहीं है। अधिकतर जो साहित्यकार जो अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं वो नेहरूवादी या वामपंथी विचारधारा के हैं और वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत या एक किसी बाहरी प्रेरणा के दबाव में सब कर रहे हैं। जो बहाने वो बना रहे हैं उनका नरेंद्र मोदी सरकार से कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए बार बार दादरी की घटना का जिक्र किया जाता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि दादरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। यदि उन्हें विरोध करना है तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार का करें वो। दूसरे इसी प्रकार से कर्नाटक में एक साहित्यकार की हत्या हो जाती है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है, विरोध करना तो कांग्रेस की सरकार का करें वो। इसमें नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी सरकार की क्या भूमिका है? बिल्कुल, चलिए यही हम समझने की कोशिश करेंगे। राम निवास जी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से बीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। बीरेंद्र जी आप एक लेखक भी हैं और कहीं ना कहीं आप इन लेखकों का दर्द भी समझ रहे होंगे, जो अपना पुरस्कार जो सम्मान उन्हें दिया जाता है वो वापस कर रहे हैं, आखिर ये तस्वीर क्यों बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है, कई साहित्यकार जो है इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है और कुछ नेताओं का ये मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित है। तो कुछ लोगों का कहना है कि हेडलाइंस में सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए अगर उनका दर्द जो पुरस्कार या पुरस्कार की राशि लौटाने की बात कर रहे हैं या लौटा रहे हैं, अगर उनका दर्द वाजिब दर्द होता, जेन्युइन दर्द होता, लेखक वाला ईमानदारी का दर्द होता तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता, राम निवास जी भी उनके साथ में खड़े होते। लेकिन बहुत ईमानदारी से जब हम उन पर निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि उनका दर्द राजनीतिक दर्द है, उनका दर्द एकांगी एक पक्षीय दर्द है। ये वो लोग हैं जो इससे पूर्व में इस देश में बड़ी बड़ी हिंसा की घटनाएं हुई, दंगे हुए, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली कर दी गई, तब जिनके मन में दर्द नहीं जगा
वो मुनव्वर राणा अखलाक के मामले को लेकर के अपना पुरस्कार और वो भी राजनीतिक स्टंट करके स्टूडियो में लौटाते हैं, तो मुझे उनकी उनके साहित्यकार होने पर संदेह होना वो स्वाभाविक है। और देखिए, मुनव्वर राणा जैसे लोगों का हिंदुस्तान कायल रहा है, उनको बहुत सम्मान दिया इस देश ने, पुरस्कार इस तरह से उसका तिरस्कार करके वो हिंदुस्तान की उस साझी संस्कृति की भी उपेक्षा, अवहेलना और अपमान कर रहे हैं जिसने उनको सम्मान दिया। उनको कभी किसी ने मुसलमान के रूप में नहीं देखा, हमेशा साहित्यकार के रूप में देखा। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा करके स्वयं को केवल और केवल उन्होंने साबित कर दिया कि वो केवल मुसलमान है पहले हैं और कुछ नहीं है? तो इस तरह की संकीर्ण सोच वाले लोग, मेरा मैं खुला आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो लोग पुरस्कार लौटा रहे हैं वे राजनीति कर रहे हैं। और जो देश में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगा करके वो पुरस्कार लौटा रहे हैं, सच्चे अर्थों में बहुत ईमानदारी से सोचिएगा तो पता चलेगा असहिष्णु वे असहिष्णु इस बात के लिए हैं, उनसे सहन नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई। उनके विचार की सरकार रहे तो ठीक जी, उनके विचार उनको पालन पोषण करने वाली जिनके टुकड़ों पर वो पले, दरबारी गीत गाए, वो सरकार थी तो सब ठीक था, चाहे हजारों लोग इस देश के अंदर मारे जाएं। परंतु अब उनको असहिष्णुता नजर आने लग गई। चलिए वीरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश शर्मा जी साहित्यकार हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि कृपया करके आप साहित्य या साहित्यकारों को सांप्रदायिकता के साथ ना जोड़ें। मुनव्वर राणा जी का कद भारत के साहित्यिक क्षेत्र में इतना ऊंचा है कि वो इंसान हैं, भारतीय हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो इतने अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार हैं उनके साथ आप ये सांप्रदायिकता जैसी चीज़ें आप ना जोड़ें। उनके जो उनका जो योगदान है देश के लिए, थोड़ी सी उसकी लिहाज करें। बिल्कुल, चलिए वीरेंद्र जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मुकेश थोड़ा सा इनकी बात को मैं जो वीरेंद्र जी कहना चाह रहे हैं वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जैसे रंगकर्मी सफदर हाशमी उनकी भी हत्या हुई थी, तब तो किसी ने ये पुरस्कार नहीं लौटाए। या जो तस्लीमा नसरीन है उनका निर्वासन हुआ भारत से, या उन्हें समय समय पर भारत में अपमानित किया गया, तब तो किसी ने अवार्ड नहीं लौटाए। ये भाव है उनका कहने का कि इससे पूर्व भी साहित्यकारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई, तब अवार्ड नहीं लौटाए। रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से सुनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद जी। सुनीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से लेखक एक के बाद एक अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, क्या इस पर राजनीति हो रही है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ऐसा है, इस पे कोई राजनीति नहीं, कोई साहित्यकार किसी राजनीति उसे पार्टी से नहीं जुड़ा होता। साहित्यकार जो भी साहित्यकार होता है वो देश की एक धरोहर होती है। हाँ। वो देश के लिए जीता है, देश के लिए ही मरता है। हाँ। और देश में जो घटता है वो ही लिखता है। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, जब हिंसा का माहौल पैदा होता था, तब ये लेखक कहाँ थे? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि लेखक पहले जो और मैं जब भी किसी भी लेखक का किसी की भी कलम चलती है वो देश के लिए चलती है। अगर उस कलम का निरादर किया जाए देश के किसी के द्वारा भी, तो ये बहुत गलत बात है। वो सारे देश में, आप ये देखिए, हरियाणा नहीं, पूरे देश के हर राज्य के जो भी लेखक है वो अपना कदम अपना क्यों अवार्ड लौटा रहे हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए, ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे कार्यकाल में कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। साहित्यकार जो किसी राजनीति, इनको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए साहित्यकार को बिल्कुल भी। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, समय बहुत कम बचा है, इसलिए जरा कि आपका बार बार प्रश्न ये आ रहा है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ जबकि कांग्रेस का राज था। कि देखिए, पहले सारिका, दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान ऐसी पत्रिकाएं आ रही थी जिसमें आप अपने विरोध को कर सकते थे, वो प्रकाशित होता था। अब कोई ऐसी पत्रिका नहीं है कि जिसमें आप कोई बात कहें और वो राष्ट्रीय स्तर पर उसे पढ़ा जाए। समाचार पत्रों ने साहित्य छापना बंद कर दिया है। ये सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट है। मैं इसमें विष्णु प्रभाकर जी की बात एक कहना चाहूंगा जी। वर्ष 2015 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, लघु कथा के आयाम, इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने एक जगह कहा है कि आंखें सारा सच नहीं देख पाती हैं, देखता तो दिमाग है। तो ये आपको दिमाग से देखना होगा, आंखें सच नहीं देख पाएंगी। बिल्कुल,
चलिए मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, लेखक साहित्यकार एक के बाद एक अपना पुरस्कार जो है वो वापस लौट आ रहे हैं, वजह क्या कुछ मानी जाए इसी पर हमने चर्चा की। और कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि आखिर पीएम मोदी जो है वो चुप क्यों बैठे हैं, आखिर चुप्पी क्यों नहीं तोड़े, आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं इस पर, क्योंकि एक के बाद एक पुरस्कार जो है लेखक वापस लौट आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि इसे राजनीति से इसे प्रेरित माना जा रहा है, और कुछ लेखकों का यह भी मानना है कि यहाँ पर सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तो चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।